कुक्षी विधानसभा के मंडल डही की बैठक संपन्न हुई। बैठक में भाजपा नेतृत्व द्वारा कुक्षी विधानसभा में प्रवासी विधायक के तौर पर भेजे गए गुजरात से आए झालोद के विधायक महेश भूरिया ने कार्यकर्ताओं को लेकर बैठक आयोजित की और अपनी जीत का मंत्र दिया। गुजरात से विधायक महेश भूरिया ने कहा कि उन्हें भाजपा में शीर्ष नेतृत्व अमित शाह और जेपी नड्डा द्वारा मुझे यहां भेजा गया है। मैं यहां पर 7 दिवसीय भ्रमण पर रहूंगा। इसके पश्चात 28 अगस्त को दिल्ली में कुक्षी विधानसभा की रिपोर्ट फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने कुक्षी विधानसभा के प्रत्याशी जयदीप पटेल को विजय दिलाने का संकल्प दिलाया। ग्राम से आए भारी संख्या में लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच कुक्षी विधानसभा को जिताने के लिए आया हूं। जो चुनाव होने तक मैं आपके बीच ही रहूंगा। भूरिया द्वारा पार्टी के विभिन्न संगठन पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई और दिशा निर्देश दिए। दही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। कि हम दही में इस बार भी 30,000 से लीड देंगे, लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो 17 साल तक आप दही को समझते थे, हमारा दही का गांव के कार्यकर्ता, दही का आदिवासी समाज के कार्यकर्ता अब जाग चुके हैं और वो भी समझ चुके हैं कि कौन किसान सम्मान निधि दे रहा, कौन लाडली बहना योजना दे रहा और कौन लाडली लक्ष्मी दे रहा और कौन प्रधानमंत्री आवास दे रहा, ये दही की जनता भी जानती है। मैं इसमें भी बताना चाहता हूँ, जब 2014-15 में यह जनमत का अध्यक्ष बना, पहले गांव के लोगों के किसी के खाते नहीं होते, लेकिन जब खाते खुलाने की बात आते थे तो कांग्रेस के लोग हंसते थे और ये कहते थे कि ये तो पैसे खाने की दिक्कत है, पैसे खाने हमारे आदिवासी समाज को बहुत खतरा है। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि गाँव का एक व्यक्ति जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी बैंक में जाता है और सीधे राशि ट्रांसफर करके उनकी राशि का उपयोग करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।